नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस समय प्रीता ने डिसाइड किया है कि वो लूथरा परिवार से मिलेगी और वाकई में राजवीर के बाहर आने की बात करती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस समय प्रीता ने बोल दिया है सृष्टि से कि सृष्टि, मैं लूथरा परिवार के सामने गिड़गिड़ाऊंगी, हाथ जोड़ूंगी, लेकिन किसी भी तरीका से अपने राजवीर को जेल से बाहर निकाल के रहूंगी। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सृष्टि बेहद ज़्यादा दुख मनाती हुई नजर आ रही हैं कि आखिरकार हमें एक बार फिर से लूथरा परिवार के सामने झुकना पड़ रहा है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सृष्टि इस समय हर तरीका से बैंड बजाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए इस समय निधि की, तो निधि अपना प्लान वर्क कर रही है, क्योंकि निधि यही सोच रही है कि किसी भी तरीका से राजवीर को तो जेल से बाहर नहीं आने देना है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाली कहानी थोड़ा नहीं बल्कि इस समय बेहद ज़्यादा दिलचस्प मोड पर आ अटक चुकी है। वहीं बात की जाए करण की, तो करण एक बार फिर से कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीका से वो जेल में जाकर राजवीर से मिले, लेकिन दोस्तों वहाँ पर ना मिलने के लिए निधि ने बार बार रोका है और लड़ाई झगड़ा कर रही है ताकि किसी भी तरीका से लूथरा परिवार में से कोई प्रीता से मिल ही ना पाए। नहीं तो अगर मिल गई तो निधि का यहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल निश्चित है, इस चीज़ को खुद निधि जानती है। वहीं बात की जाए शौर्य की, तो शौर्य एक बार फिर से बोलता हुआ नजर आने वाला है कि माँ अगर ऐसी, मतलब अपनी यानी करण की मॉम से बोलता हुआ नजर आएगा राखी से कि अगर तुम्हें मिलना है तो आप राजवीर की मौसी से मिल सकते हैं। और फाइनली अब राखी मिलती हुई नजर आने वाली है प्रीता से, जब पूरी बात का पर्दाफाश होता हुआ नजर आने वाला है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइज कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।